पंद्रहवें वित्त आयोग ने पंचायतों को ज्यादा मदद और उसे सशक्त करने की कोशिश की है। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसे बड़ी पहल बता रहे हैं। सीएम का कहना है कि गांवों को मजबूत करना जरूरी है, गांव के लोग संपन्न होंगे तो शहर अपने आप मजबूत हो जाएगा, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यह कहना थोड़ा कठिन होगा। थोड़ा कठिन इसलिए क्योंकि गांव से लोग पलायन कर शहर में आ चुके हैं, मैदानी इलाकों में आ चुके हैं। गांव में किसान अन्न पैदा करता है, उपभोक्ता शहरों में है, शहरी क्षेत्रों में या नगरीय। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ये पूर्णता बनी रहे, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गांव में भी इन्वेस्टमेंट जाए, गांव के लोगों की जेब में पैसा रहे, तभी हम ये कह सकते हैं कि संतुलित विकास की जो अवधारणा है वो तभी उसको पूरा किया जा सकता। तो गांवों को लेकर बात होती रही, चर्चा होती रही, बहस होती रही, संपन्न बनाने का वादा दावा होता रहा। पंकज पवार हमारे साथ, हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं। पंकज, गांवों को लेकर त्रिवेंद्र रावत की चिंता क्या कहती है? बिल्कुल, अगर जो भी चर्चा हुई है उसको उसमें सीधा तौर पर जो 15वें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार की जो अपनी रिपोर्ट दी गई है उसमें उत्तराखंड से जुड़े हुए ये भी कहा गया है कि पंचायतों को सीधे पैसे मिलने चाहिए, जिससे जो गांव की जो आर्थिकी है वो मजबूत हो, ग्रोथ सेंटर वहां पर बनाए जाए, और जिसकी वजह से जो गांव के लोग पलायन करने को मजबूर है वो चीजें कम हो सके। तो मुख्यमंत्री ने भी वही बात को दोहराया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उत्तराखंड के गाँव में अगर ग्रोथ सेंटर बनाकर वहीं पर ही आर्थिकी उनकी मजबूत की जाए, और वहां पर सीधा केंद्र सरकार की योजनाओं का जो पैसा है वो सीधे ग्रामीण जो सरकारें हैं उनके खाते में ही पहुंचे, तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगा, और उससे प्रदेश के जो गांव है वहां से पलायन भी कम होता नजर आएगा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार को जो 15वें वित्त आयोग ने सिफारिशें दी हैं, क्या केंद्र सरकार उनको मानती है, और उन तमाम मुद्दों पर जो 15वें वित्त आयोग ने अपनी बातें रखी हैं वो उसको क्या वो अपनाती हैं। और एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है और बातें भले ही हो रही हैं और चीजें कम होती नजर आ रही हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर सरकार इन तमाम चीजों पर ध्यान देगी तो शायद आने वाले समय में कुछ व्यवस्थाएं में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। पंकज, मजबूत इच्छा शक्ति तो हर कोई दल, हर कोई सरकार दिखाती रही है, चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, लेकिन मौजूदा वक्त में आपके जरिए मैं समझना चाह रहा हूँ और जानना चाह रहा हूँ कि चाहे वो केंद्र की योजना हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजना हो, जिससे पहाड़ के लोगों को ये भरोसा जगा हो कि वाकई में पहाड़ सशक्त होने जा रहा है, पहाड़ के लोग संपन्न होने जा रहे हैं, कुछ ऐसी योजनाएं? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, योजनाएं काफी हैं, चाहे ऑल वेदर सड़कों का वो हो, वो भी आर्थिकी को मजबूत करने का एक बड़ा साधन है। अगर पहाड़ों में सड़कें का साधन मजबूत होगा तो वहाँ पे बाजार भी बनेंगे, बाजार भी लगेंगे, और वहाँ पे आर्थिकी भी मजबूत होगी। इसके अलावा जो रेल का जो मसला है, जो प्रदेश में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेल की बात है और उसके बाद चारधाम की रेल की बात है, तो ये अपने आप में ये भी आर्थिकी मजबूत करने की एक बड़ी पहल होगी। लेकिन उन तमाम चीज ये एक वाइड प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो ये वाइड प्रोस्पेक्ट पर काम आएगा, लेकिन जब तक माइन्यूट धरातल लेवल पर आम ग्रामीण की बातों को केटर नहीं किया जाएगा, उनकी बातों को नहीं समझा जाएगा, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर बातचीत नहीं होगी, तब तक कोई फायदा नहीं हो पाएगा। और सही आपने सही कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति सारी सरकारें दिखाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन शायद उन्हीं चीजों पर जो जब बजट देने की बात आती है तो वो पीछे हटती नजर आती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें होंगी क्या उसमें उत्तराखंड के जो ग्रामीण अंचल है उनके लिए कुछ राहत भरी खबर हो सकेगी। जी, नजर बनाए रखिएगा तमाम खबरों, पंकज फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।